नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर फिल्मकार विनोद कापडी की चर्चित फिल्म पायर को टालीन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड मिला है। पायर फिल्म में वृद्ध नायक पदम सिंह और नायिका हीरा देवी बेरीनाग के अलग अलग गाँव के रहने वाले है। हीरा देवी विधवा है। दोनों का गृह क्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने बताया कि दोनों वृद्धों के द्वारा जो नायक और नायिका की अहम भूमिका निभाकर आज फिल्म को अवार्ड मिला है, वह पूरे क्षेत्र के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। वही सम्मान समारोह में नायिका की भूमिका निभाने वाली हीरा देवी भावुक भी हो गई। गौरतलब है कि फिल्म में उत्तराखंड से लगातार हो रहे पलायन और दो वृद्धों के द्वारा गांव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना और उनके प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। पायर फिल्म की शूटिंग बेरीनाग क्षेत्र में हुई है। इधर सिने अभिनेता हेमंत पांडे ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे अच्छा लगा कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, वो कितना आगे बढ़ गए हैं, हमारे गांव पीछे ही पीछे रह गया है। उनका कैसा रहन सहन है, कितना स्वच्छता है, उनके होटलों में देखो, घरों में देखो, एक कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना चाहिए, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार विनोद जी ने, सुधीर राठौर जी ने हमको अग्रसित किया कि ये मार्ग नहीं छोड़ना है, हमने छोड़ा ही। मैं इस स्कूल हाई स्कूल बेरी नाम मैं पहले कह चुका हूँ, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा। पांच मील आना, पांच मील जाना, वही तपस्या मेरे को आज ये पटल पर लाई। धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है कि अपने यहाँ की, अपनी धरती की, अपनी बोली की, अपनी भाषा की कोई पिक्चर विश्व पटल पे दिखाई देती, किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल में जाती है और उसको सम्मान भी मिलता है, तो उससे तो हर उत्तराखंडी को सम्मान मिलता है। और हमारे राज्य में अच्छे कलाकार और अच्छे दर्शक हैं, इस बात का भी इससे पता लगता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो हम सबके लिए, पूरा उत्तराखंड वासियों के लिए, क्या पूरे सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारी पृष्ठभूमि की फिल्में अब विश्व पटल पर जा रही हैं। पिथौरागढ़ में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आज जनपद के विभिन्न स्कूल एवं संस्थानों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ सिविल जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंजू देवी द्वारा बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम के लिए अधिक से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को जोड़कर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलेंटरी एक्शन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में उपस्थित बालिकाओं और महिलाओं को उक्त में पारित दिशा निर्देश की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर बाल विवाह मुक्त भारत पर सचिव द्वारा शपथ दिलाई गई। शिविर में SI संदीप पिलखवाल, राजस्व निरीक्षक नवीन चंद्र पांडे, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सीमांत जिले पिथौरागढ़ की छात्रा ऋषिता रावत ने राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में शानदार प्रदर्शन के साथ उप विजेता का स्थान प्राप्त किया, जिसको लेकर यहाँ खुशी की लहर है। ऋषिता जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। उनके पिता पूर्व पलिकाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत तथा माता सीमा रावत गृहिणी हैं। बीते 26 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऋषिता ने AI पर PVT मॉडल प्रस्तुत किया। देश के 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिभागियों के बीच ऋषिता के मॉडल को देश में दूसरा स्थान मिला। इसके साथ ही उन्हें विज्ञान संगोष्ठी का उपविजेता का पुरस्कार मिला। दिल्ली के संस्कृति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें 24,000 रुपए नकद प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्य शिक्षा अधिकारी HR कोहली, जिला विज्ञान समन्वयक डॉक्टर विकास पंत, जिला सचिव मोहन पाठक, मोनाकोट विज्ञान समन्वयक भीम सिंह कार्की, बिन ब्लॉक समन्वयक करण थापा, जीवन जोशी, वीरेंद्र कन्याल सहित कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ के डीडीहाट की SDM खुशबू पांडे ने कनाली छीना विकासखंड के कंडाली क्षेत्र का भ्रमण किया।
इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण को लेकर संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए। इस दौरान ग्रामीणों ने सतगढ़ पेयजल टैंक से पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं होने, जीजीआईसी कनालीछीना में शौचालय निर्माण, कनालीछीना बाजार से ब्लॉक कार्यालय को जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त होने, भौतरी मोटर मार्ग का मुआवजा नहीं मिलने सहित अन्य समस्याओं को रखा गया, जिस पर एसडीएम ने संबंधितों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान केंद्र वित्त की योजनाओं में अनियमितता की शिकायत पर उपजिलाधिकारी पांडे ने तकनीकी विभाग से जांच करवाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के थल में हजारों की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को बनाए गोचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मियों की कमी के कारण क्षेत्रवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की नियुक्ति की मांग को लेकर ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल को एक ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बीते 4 माह से स्थायी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और स्वच्छक नहीं होने से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक भैसोड़ा, मदन उपाध्याय, सुनील सत्याल, कमल कन्याल, पंकज भैसोड़ा, भानु सत्याल सहित अन्य लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एयर कंडीशन कक्षों का जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ करते हुए जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया ने कहा कि शीतकाल में बर्फबारी होने या तापमान कम हो जाने पर मरीजों को ठंड के चलते उपचार कराने में खासी दिक्कत आती थी, लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी। सभी कक्षों में तापमान सामान्य बना रहेगा, इससे महिलाओं और नवजात बच्चों को खासी राहत मिलेगी। शुभारंभ अवसर पर ग्राम प्रधान मनोज सिंह मर्तोलिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर जेएस नबियाल, डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी, डॉक्टर गौरव कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति के आदेशानुसार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत थाना बनबसा थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी प्रकाश कुंवर पुत्र गज बहादुर कुंवर उम्र 24 वर्ष निवासी कंचनपुर नेपाल के कब्जे से 2.76 ग्राम स्मैक बरामद होने पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 22 नवंबर को अपनी भांजी के घर से बगैर बताए कहीं जाने की कोतवाली डालनवाला में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मामले से संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार नाबालिग की बरामदगी को पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सर्विलांस सहित विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए किशोरी को सचिन कुमार नामक युवक द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के चलते नाबालिग का अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी सचिन कुमार निवासी मिर्जा नेकपुर पोस्ट सिकंदरपुर बस्ती नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश उम्र 20 वर्ष को चंडीगढ़ से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से नाबालिग युवती को बरामद किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने आरोपी सचिन कुमार द्वारा उसे चंडीगढ़ घुमाने के बहाने घर से ले जाने तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी, जिस पर मुकदमा उपरोक्त में पोक्सो अधिनियम व संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बच्चों को छोड़ने आए एक स्कूल बस का परिचालक अचानक चक्कर आने के कारण बस से बाहर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बस चालक द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।
चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज लोहाघाट स्थित एक निजी विद्यालय का वाहन बच्चों को छोड़ने के लिए चंपावत आया था। बच्चों को छोड़ते हुए बस का परिचालक राहुल सिंह बोरा पुत्र प्रकाश सिंह निवासी लोहाघाट उम्र 25 वर्ष को अचानक चक्कर आ गया और वह गाड़ी से बाहर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन चालक द्वारा स्कूल की बस से ले जाकर उसे जिला अस्पताल चंपावत भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान राहुल बोरा ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा व अग्रिम कार्रवाई जारी थी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।